Sanischaraye Namaha. 22nd December 2013. आज ज्ञान गंगा में हमारे परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लिया। भक्तों में से एक भक्त की जिज्ञासा कि गुरु जी हम ऐसा क्या करें जिससे हम इस जीवन में जो कार्य करने आए हैं उसमें सफल हो जाए। हम ऐसा क्या करें जो हम करने सच में आए हैं, भगवान की प्राप्ति करने आए हैं, वो हमें प्राप्त हो जाए। भक्त कहता है, गुरुजी, एक बार दो बार जब मैं प्रयत्न करता हूँ ध्यान में बैठने का, जब मैं प्रयत्न करता हूँ जप करने का, मेरा मन इधर से उधर भटकने लगता है और इस भटकने में मुझे समझ नहीं आता कि कैसे मैं भगवान को प्राप्त करूं। जब मेरा मन इधर उधर संसार की बातों में भटकता है तो मैं गुरुजी उठ करके खड़ा हो जाता हूं। तो कैसे ऐसा होगा कि मैं अपनी साधना में भगवान की प्राप्ति में सफल हो पाऊं? भक्त कहता है, आप तो गुरु हैं, आप कृपया मार्गदर्शन कीजिए। परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी कहते हैं, ये चिंता मत कर कि तुझे तेरी साधना में सफलता नहीं मिलेगी, बस एक काम तूने करना है, वो है प्रैक्टिस, अभ्यास। इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो अभ्यास के बिना, प्रैक्टिस के बिना पूरा हो जाए। अगर आज तू ध्यान में बैठता है और तेरा मन इधर उधर भटकता है, या तो जप में बैठता है लेकिन फिर भी माला के साथ साथ मन चलता है, तो तुझे अभ्यास की जरूरत है। ये सोच लेने से, एक बार बैठने से, दो बार बैठने से शायद मेरा ध्यान लग जाए, तो ये संभव नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास से ही ये अवस्था तुझे प्राप्त होगी। तो ये मत समझ कि एकदम से तू ध्यान में बैठे, मैं कोई ऐसा मंत्र दे दूं कि तू ध्यान में बैठे और बैठ करके तेरा ध्यान भगवान से लग जाए और सीधा तुझे भगवान अपने साथ ले जाए। और ना ही तू मुझसे ऐसी कोई अपेक्षा करना कि मैं तुझे ऐसा कोई मंत्र यंत्र या तंत्र दूंगा जिससे एक ही क्षण में तुझे भगवान मिल जाए। गुरु जी कहते हैं, एक गुरु का केवल कार्य है तुझे मार्ग दिखाना, चलना तेरा अपना है। भक्ति में या संसार के किसी भी काम में शॉर्टकट नहीं है। तू शॉर्टकट लेकर के ये नहीं सोच सकता कि मैं सफल हो जाऊंगा। जो व्यक्ति
शॉर्टकट लेता है, जल्दी जल्दी ऊपर पहुंचने की प्रयास करता है, वो उतनी ही तेजी से नीचे भी आता है। एक व्यापारी खूब पैसे कमाने की इसकी इच्छा थी। इसने देखा, अरे पूरी दुनिया आगे बड़ी चली जा रही है, सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ऐशो आराम की चीजें हैं, घूमने के लिए विलायत जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज जाते हैं, एयरप्लेन में ट्रैवल करते हैं, तो क्यों ना मैं भी इस सुख को भोगूं। इस सुख को भोगने के लिए अब नित्य ही व्यापार में इसने गोलमाल करना प्रारंभ कर दिया। खूब धन कमाया, इसको लूटकर, उसको लूटकर, उसको बेवकूफ बनाकर, उसको मूर्ख बना करके खूब इसने पैसा इकट्ठा किया। जो इसे चाहिए था उसे खूब ज्यादा इसे पैसा मिला। एक दिन खूब शॉर्टकट मारते मारते जब इसने धन कमा रहा था, इसने किसी व्यक्ति के साथ चीटिंग किया, फ्रॉड किया। अब जैसे ही चीटिंग किया, फ्रॉड किया, उस व्यक्ति ने जाकर के पुलिस में कंप्लेंट कर दी और कंप्लेंट करने से इसके ऊपर केस बन गया। अब तो भैया केस को निपटाने के लिए वकीलों को मोटी मोटी फीस देनी पड़ती, व्यापार पे तो क्या ध्यान लगता, पूरे दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहता। और जैसा ये धन आया था शॉर्टकट से, वैसे ही धीरे धीरे शॉर्टकट से ही वापस लौट गया। तो गुरु जी कहते हैं, तो किसी काम में शॉर्टकट मत मारना, क्योंकि ये बात तू समझना, तो यदि शॉर्टकट मारेगा शॉर्टकट से भक्ति करेगा, हो सकता है तो अपनी साधना में जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाए, लेकिन उतनी ही जल्दी तू वापस भी गिर जाएगा। बहुत से ऐसे साधु महात्मा, बड़े बड़े सन्यासी संत हुए जिन्होंने सब कुछ छोड़ करके, घर बार छोड़ करके बाहर निकले साधना करने के लिए, और जितने वर्ष इन्होंने साधना की उससे कम वर्ष में ये भटक गए। कोई धन के लालच में, कोई स्त्री के लालच में, कोई नाम के यश के लालच में, और इस भटकन से अपनी साधना को, भक्ति को भूल गए और अंत में इनका पतन नहीं हुआ। तो इसलिए गुरु जी कहते हैं, तो शॉर्टकट नहीं मारना, अभ्यास करना, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक चिड़िया का बच्चा तू देखे जब अपने अंडे में से बाहर निकलता है, पहली बार उड़ने का प्रयत्न करेगा, माँ उसे उड़ाने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन वो ज्यादा नहीं उड़ पाता, थोड़ा सा ऊपर उठेगा, फिर बेचारे के छोटे से पंख दुखने लगेंगे, वापस नीचे आ जाएगा। बार 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 उसकी माँ उसे प्रयास कराती है, अभ्यास कराती है, और वो भी मन लगा के जब अभ्यास करता है तो एक दिन ऐसा आता है कि वो पंख फैला करके उड़ जाता है। गुरु जी कहते हैं, जब एक पक्षी उड़ने की भी प्रैक्टिस करता है तभी तो उस काम में निपुण हो पाता है, सफल हो पाता है, तो तू भक्ति में क्यों कोई शॉर्टकट मारता है। अगर ध्यान में, जप में आज तेरा मन नहीं लग रहा तो तू चिंता मत कर,
इस डर से कि मन भटक रहा है, तू जब को भी नहीं छोड़ना। तू बैठ, फिर से बैठ उसी लगन के साथ, उसी मन के साथ, लेकिन अब निष्ठा के साथ बैठ। ये मेरे गुरु मेरे साथ हैं, मेरे सदगुरु मेरे साथ हैं, और उनकी कृपा से मैं अवश्य ही इस कार्य में सफल होऊंगा। आज यदि मेरा मन ध्यान में नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं। अगर आज तेरा मन जप में नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब तू अभ्यास करेगा, नित्य ही ध्यान में बैठेगा, जप करेगा, एक दिन ऐसा अवश्य आएगा तेरा मन उस जप में, उस ध्यान में लगने लगेगा। और बड़ा सुंदर गुरु जी ने एक उपाय भी बताया है, यदि जप में ध्यान में मन नहीं लग रहा तो क्या करें। गुरु जी कहते हैं, यदि ये मन तेरा तुझे ध्यान में ना बैठने दे तो तूने इस मन से बात करनी है, इस मन से बात करनी है, इस मन को तूने समझाना है। इसे समझा कि देख भैया मन, तू हर समय पूरे संसार में घूमता रहता है, हर समय इस संसार में लिप्त रहता है, लेकिन उससे तुझे क्या प्राप्त हुआ। इस असत्य संसार में तुझे दुख के अलावा क्या कभी कुछ मिला है। तू जिस पत्नी, जिस पुत्र, जिस बच्चों के, मित्रों के या रिश्तेदारों के बारे में सोचता है, अरे ध्यान से सोच रे मन, क्या उन्होंने कभी तुझे सुख प्रदान किया। सब कुछ होने के बाद एट द एंड ऑफ द डे क्या तुझे सुख प्राप्त हुआ। हर कोई आया, तुझसे अपना काम निकाला और काम निकाल करके चल दिया। इस मन को यही समझा, इस संसार में जो कुछ दिखता है वो सब भ्रम है, मिथ्या है। तू जिसके नजदीक जाएगा, जिसके साथ आसक्ति करेगा, जिसमें फंसेगा, जिसमें मोह करेगा, इस संसार का हर वो व्यक्ति तुझे दुख ही प्रदान करेगा। हो सकता है तू क्षणिक सुख के लिए उनके पास जाए, लेकिन अंत में तुझे केवल केवल दुख ही प्राप्त होगा। गुरु जी कहते हैं, अगर तेरा मन इससे भी ना माने तो उसे और खोल के समझा। उस मन से पूछ, तू किसके बारे में सोचता है, किसमें आसक्ति करता है। पत्नी के बारे में तू सोच तो सही, कौन सी पत्नी। मन, तूने जब जब पत्नी से प्रेम किया, उससे आसक्ति की, तुझे बदले में क्या मिला। आज वही पत्नी जिसके लिए तेरा मन भटकता है, वही पत्नी देख तो सही तेरे से कैसा व्यवहार करती है। उस पत्नी को भी केवल अब तुझसे धन की अपेक्षा रहती है। यदि तू पति है तो जा अच्छा कमा, हमारे लिए अच्छा सा घर बना, हमें अच्छे से वस्त्र दे, सुंदर आभूषण दे, बड़ी लंबी गाड़ी दे, दो चार नौकर चाकर दे, हर हॉलीडे पर, छुट्टी पर हमें घुमाने ले जा। और यदि
तो किस कारण ये ना कर पाए, तो बदले में वही तेरी प्यारी पत्नी तुझे ताना भी मारेगी। तुमने आज तक मुझे दिया ही क्या है? जब से आई हूं मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन तुमने मुझे कभी सुख नहीं दिया। वो पत्नी जिसके लिए तुम कितना भी कर लो, जब यही कहेगी, उसे पहली तारीख को तुझसे यही अपेक्षा रहेगी कि जल्दी से धन दे, तो क्या इसी पत्नी में आसक्ति करनी चाहिए? तेरा मन फिर भी ना माने तो उसी पत्नी को कुछ दिन के लिए धन देना बंद कर दे, और फिर देख अच्छे से अच्छी पत्नी कैसी बुरी नहीं बनती। फिर उसे मन से पूछ, भैया ये तेरी पत्नी है कि धन की पत्नी है? आजकल की शादी तो ऐसी है, एवरीबॉडी इज कॉम्प्रोमाइजिंग विद देयर लाइव्स। पति को चाहिए पत्नी मिल जाए ताकि घर मेरा रखवाली करे, घर को साफ सुथरा रखे, मेरे कपड़े धोए, मेरे बर्तन धोए, मेरे लिए खाना बनाए, टाइम से मुझे उठा दे, मेरे लिए पानी गर्म कर दे, मेरे कपड़े प्रेस करते, एंड वाइस वर्सा। पत्नी ये चाहती है मेरा पति मुझे पैसे दे, मेरी खाने की ज़रूरतें पूरी करता रहे, मेरे घूमने के शौक पूरे करे, मेरे सजने संवरने श्रृंगार करने, ब्यूटी पार्लर के खर्च उठाए, मेरी शॉपिंग के खर्च उठाए, तो वही पति है। और जहाँ पति या पत्नी ये कार्य नहीं कर पाते, वहाँ एक दूसरे के बर्तन बजते हैं, एक दूसरे को ताने दिए जाते हैं, एक दूसरे पर व्यंग कसे जाते हैं, तुमने मुझे दिया ही क्या? तो रे मन, उसे पूछ क्या इस पत्नी में आसक्ति करनी है? चल पत्नी में अगर ये मन समझ जाए आसक्ति ना करे, तो सीधा बच्चों में आसक्ति कर लेगा। मन सोचता है मेरे बच्चे मैंने इन्हें जन्म दिया, मेरा खून है, मेरे लाडले हैं, मेरे वंश की वृद्धि करेंगे, लेकिन यही बच्चे हैं, जरा सा इनके मुख में जबान आएगी, थोड़े से बड़े होंगे तो पिता से कहते हैं, अरे पापा आप आउटडेटेड हो गए हो, आपके विचार बहुत पुराने हैं, अब आपके विचारों में पुरानापन आ गया है, आप नए जमाने के नहीं हो, पुराने जमाने के हो। हर बात में माँ बाप को कहेंगे तुम्हें आता ही क्या है? वही तेरे बच्चे जिसको तू समझता है बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, आज के बच्चे तो उसी लाठी से माता पिता की पिटाई करते हैं। जरा सा बच्चा बड़ा हुआ, उसकी शादी हो गई, पत्नी घर में आ गई, माँ या पिता तभी तक अच्छा लगते हैं जब तक पिता धन दे रहा है। जिस दिन धन की आवश्यकता पिता से समाप्त हो गई, खुद जाकर के वो नौकरी करने लगा, अपने पैरों पर खड़ा हो गया, अब उसे पिता की आवश्यकता नहीं है, अब पिता उसे उसके कामों में, उसके विचारों में, उसके लाइफस्टाइल में अड़ंगा बाधक पैदा करता हुआ नजर आता है। दूसरी ओर माँ की उसे तभी तक जरूरत है जब तक उसकी खुद की पत्नी नहीं आ जाती, माँ उसके लिए खाना बना दे,
कपड़े प्रेस करके दे दे, धो करके दे दे, तभी तक माँ अच्छी है। और जब पत्नी आ जाएगी, ये सब कार्य संभाल लेगी, माँ की भी कोई आवश्यकता नहीं। जब माँ बाप दोनों की आवश्यकता समाप्त हो गई तो बच्चा तुरंत चाहता है या तो माता पिता घर से निकल जाए या मैं ही दूसरा घर ले लूं। थोड़ा बच्चे में झिझक हो, शिष्टाचार हो तो बोलेगा नहीं, माना करेगा, पापा मैं सोच रहा था ये घर बड़ा छोटा हो गया है, दूसरा घर मैं ले लूं, आप लोग यहीं रहो, मैं और मेरी पत्नी हम लोग दूसरे घर में चले जाएंगे। गुरु जी कहते हैं तू इसी मन को सारी सच्चाई दिखा, क्योंकि ये तेरा मन जो है ना, ये अंधेरा पसंद कर रहा है, ये सो रहा है, ये सोचता है शायद आंखें बंद करने से, इन सब चीजों को ना देखने से ये खुश रहेगा। लेकिन सत्य से कितना भी मुख मोड़ लो, आंखें बंद कर लो, एक ना एक दिन सत्य सामने आ ही जाएगा। तो इस मन को समझा, जब जीवन में यही सब सत्य है तो किसमें तूने आसक्ति करनी है। और ये सब रिश्ते तेरे लिए अच्छे बन भी जाए, सोने के क्यों ना बन जाए, लेकिन इन सब से तुझे कोई प्राप्ति नहीं है। हो सकता है समाज की नजर में, समाज की दृष्टि में इन रिश्तों में कोई प्राप्ति हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में और सत्य की दृष्टि से इसमें कोई प्राप्ति नहीं है। संसार में हम जो करने के लिए आए हैं वो ये सब नहीं है। बड़े भाग्य से गुरु जी कहते हैं ये मनुष्य शरीर मिलता है तो तू उसका सदुपयोग कर, बाकी शरीर में तो तू फंसा ही रहता है और इस मनुष्य शरीर में तू मन को फंसाए बैठा है। इन बंधनों को, इन बेड़ियों को खोल दे, इस मन को आईना दिखा, सच्चाई दिखा, संसार का सत्य दिखा और फिर देख कैसे ये प्रभु से नहीं मिलता। इस मन को समझा, जो सुख ये दुनिया में ढूंढ रहा है वो सुख सच्चा सुख नहीं है, क्योंकि हर सुख के बाद दुख के आने की संभावना है। लेकिन ईश्वर प्राप्ति में, भगवान से मिलने में, अपने मालिक से मिलने में जो सुख है वो आनंद है। और आनंद के जीवन में आने के बाद ना सुख है और ना ही दुख है। जब ये तेरे जीवन में आनंद आएगा, जब तू इस मन को समझाएगा, तो देख ये मन अवश्य ही तेरा ध्यान में भी लगेगा, जप में भी लगेगा, कीर्तन में भी लगेगा और कथा में भी लगेगा। और सबसे बड़ी बात गुरु जी ने कही दैट अभ्यास, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। डर करके या आलस में पढ़ के, भ्रम में पढ़ के तूने प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। जब तक तू अभ्यास करता रहेगा, प्रैक्टिस करता रहेगा, ये यकीन जान एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब तेरा मन पूरी तरीके से संसार से हट करके भगवान में लग जाएगा। आज गुरु जी ने यही हमें समझाया, यदि भक्ति करनी है, ध्यान करना है, जप करना है तो अभ्यास मत छोड़ो। मन लगे कि नहीं लगे, आलस आए
मन चाहे संसार में भटके लेकिन फिर भी प्रैक्टिस को मत छोड़ो। गुरु जी कहते हैं इसी जिद पर जो बना रहेगा, जो प्रैक्टिस करता रहेगा, अभ्यास करता रहेगा, ऐसे व्यक्ति के पास अवश्य ही एक दिन इतनी शक्ति इतना मनोबल आ जाएगा कि ईश्वर को उसके पास आना होगा, उसकी बात सुननी होगी।